2022 में ऑडियंस ने बॉलीवुड की बराबर के लिए। अब नया साल और बॉलीवुड की इस मूवी पे इतना प्रेशर। 5 साल के बाद SRK का कमबैक और उसके पहले से कोई ब्लॉकबस्टर नहीं। दीपिका और जॉन अब्राहम सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई हिट नहीं। इतना ज्यादा प्रेशर इस बॉलीवुड मूवी पे सुपरस्टार के करियर दाव पे लग चुके हैं। अभी का रिव्यू हम करेंगे पठान का ट्रेलर और मैं आपको 3 वैलिड रीजंस दूंगा क्यों ये मूवी बॉक्स ऑफिस में चीरफाड़ देगी। ट्रेलर से पता चला कि जॉन अब्राहम का फ्रीलांसिंग का धंधा है। आउटफिट एक्स एक प्राइवेट टेररिस्ट ग्रुप है। बम फोड़ने, किसी को किडनैप करना है, किसी को गायब करना है। अब जॉन अब्राहम नेगोशिएट या वार्निंग नहीं, सीधा कह के लेगा, इतना तुमको टाइम देता हूं, बम इंडिया में फोड़ूंगा। देखो भाई साहब, ये मूवी है तो यहां पे विलन टाइम देता है। देखो बिना बोले बम नहीं फोड़ रहा, इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दीपिका शाहरुख और टीम मिलकर इसको रोकेगी। एकदम सिंपल स्टोरी है भाई, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, दिमाग आपको घर पे रख के आना है क्योंकि मूवी में कूट कूट के भरे है एक्शन और ये बॉलीवुड का एक्शन है तो फिजिक्स की अगर बात की किसी ने, चलती ट्रक के अंदर दोनों एक दूसरे को पंच मारने की कोशिश कर रहे हैं हवा में। बाय द वे मैं शाहरुख का बहुत बड़ा फैन हूं। अब आते हैं 3 रीजंस क्यों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर होगी। नंबर 1, दीपिका SRK का जोड़ी लक। ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस सारी सुपर हिट गई है बॉक्स ऑफिस पे। आप बोलोगे मूवी भी तो अच्छी थी, इसमें लक का क्या? हैप्पी न्यू ईयर सुना है आपने, वो भी ब्लॉकबस्टर हिट हुई। नंबर 2, पहली इंडियन मूवी है जो IMAX के कैमरा पे शूट की गई है। नंबर 3, ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही इन्होंने अनाउंस कर दिया यशराज स्टूडियो फिल्म स्पाई यूनिवर्स, मंजे ऋतिक सलमान पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन का सीन हो सकता है। देखो भाई, अगर इन तीनों स्पाई एजेंट्स में दोस्ती हो गई तो मजा नहीं आएगा। WWE जैसा बड़े से IMAX स्क्रीन पे ट्रिपल ट्रेट मैच चाहिए इन तीनों का। ऋतिक सलमान को मार रहा है, सलमान शाहरुख को मार रहा है, शाहरुख ऋतिक को मार रहा है, मजा आएगा भाई। मुझे कमेंट में बताइए पोस्ट क्रेडिट सीन में आप क्या देखना चाहते हो। ताजा खबर का रिव्यू आपके स्क्रीन पे है। वीडियो पसंद आया तो लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।